अस्सलाम वालेकुम। एक्ट्रेस का नाम नहीं ले क्योंकि आप क्योंकि इनके साथ जुड़ गए थे, यू नो, सो यू गॉट लकी। पता नहीं मलिया, ये मैंने पहले भी बात की थी और लोगों ने फिर मुझे कहना शुरू कर दिया था, तरसी भी है इंडिया जाने के लिए। दोस्तों, सबीना फरूक एक मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिसने तेरे बिन के कैरेक्टर हया की वजह से काफी मकबूलियत हासिल की, लेकिन नेगेटिव वे में। लेकिन फिर इसका ड्रामा सीरियल काबिली पुलाव जिसके कैरेक्टर बारबीना की वजह से इसे बहुत ज्यादा मोहब्बत मिली। लेकिन दोस्तों आप ये जानकर हैरान होंगे कि ड्रामा सीरियल काबिली पुलाव 1.5 साल पहले ही शूट हो चुका था। दोस्तों हाल ही में सबीना फरूक मलिहा रहमान के शो ग्लोसेट में मेहमान बनी, जहां उन्होंने इंकशाफ किया कि काबिली पुलाव तेरे बिन से 1.5 साल पहले ही शूट हो चुका था। लेकिन लोग उनकी कामयाबी की वजह को ड्रामा सीरियल तेरे बिन समझते हैं और वो समझते हैं कि वो बड़े एक्ट्रेस के साथ काम करने की वजह से मशहूर हुई है। मलिहा, मेरा पूरा क्रेडिट उठा के ना, यू गिव इट टू, यू नो, अ प्रोजेक्ट व्हिच आई डिड 2 years, मतलब 1.5 साल बाद में काबली के। क्या आप तेरे बिन की वजह से काबली में आई? हालांकि काबली तो मैंने उससे 1.5 साल पहले शूट कर लिया हुआ था। अब मुझे बुरा लगता है। यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट अ डिफरेंट प्रोजेक्ट जो कि मैंने उसके बहुत बाद में शूट किया है। एक्ट्रेस का नाम नहीं लेके कि आप क्योंकि इनके साथ जुड़ गए थे, यू नो, सो यू गॉट लकी। दोस्तों सबीना फरूक ने मजीद कहा कि उसके इंडियन फैंस पाकिस्तानी फैंस से कई गुना बेहतर हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर को समझते हैं और वो कैरेक्टर्स को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन उनके पाकिस्तानी फैंस ना सिर्फ उनके कैरेक्टर को अब्यूज करते हैं बल्कि उनको पर्सनली अटैक भी करते हैं। पता नहीं मलिया, ये मैंने पहले भी बात की थी और लोगों ने फिर मुझे कहना शुरू कर दिया था, तरसी भी है इंडिया जाने के लिए। पहले भी एक इंटरव्यू में बात बोली थी, एक सच नहीं हजम हो रहा तो वो अब मैं क्या कर सकती। मैं झूठ बोलूं कि नहीं, मेरे मुल्क के लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया, वहाँ के लोग समझते हैं काम को, उन लोगों ने हया के कैरेक्टर को ओन किया है। कहते हैं वो लोग कि हया के बगैर तो मजा ही नहीं आएगा, मसाला कहाँ से आएगा। दिस इज सैड बिकॉज मैं चाहती हूँ यहाँ के लोग भी इसी तरह समझे। दोस्तों आपका सबीना फरूक के इस इंटरव्यू के बारे में क्या कहना है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।